हेलो डियर, वेलकम बैक माय चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपके लिए एक ड्रीम चैनलिंग लाई हूँ जो कि मुझे कल रात को हुई थी। आई होप मैं आपको कुछ क्लियरिटी दे पाऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को सुनिएगा। शायद आपके लिए डिवाइन ने कुछ मैसेज भेजा हो, आपके एंजल ने, डिवाइन ने। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे कुछ टाइप की डीएम की और थोड़ी सी बात करेंगे हम डीएम की। तो सबसे पहले मैं डीएम के बारे में बात करूँगी। तो मुझे एक लड़ाई दिखी थी और उसमें एक डीएफ की लड़ाई थी, तो वो लड़ रही थी। तो उस लड़ाई में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी और उसके इंट्यूशन इतने पावरफुल थे कि मैं ड्रीम में भी उसको महसूस कर रही थी। उसके आजू बाजू जो उसके सपोर्ट करने वाले थे, सोलमेट थे, तो मतलब बोल रहे थे कि तुम अपनी तैयारी कर लो, अब तुम्हारी बारी है लड़ने की। तो वो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में थी और उसके बाद वो लड़ाई में बहुत आसानी से जीत भी ली। तो इसका मतलब यही होता है कि हमारी कुछ पावरफुल डिवाइन फेमिनिन इस टाइम, वैसे भी डीएफ बहुत ज़्यादा पावर में चल रही है। इस टाइम की हीलिंग भी बहुत हाई लेवल की हीलिंग चल रही है। जिन भी डिवाइन फेमिनिन ने अच्छे से अपने ऊपर काम किया है तो उनको उनका रिवॉर्ड अब मिलने वाला है। मतलब कि फेमिनिन को जीत मिलने वाली है। अब ये जीत किसी भी प्रकार की हो सकती है, मतलब मन चाहा या जॉब में, या फिर मे बी आपका रीयूनियन हो जाए, या बहुत आप कॉन्फिडेंस में हो कि आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, या फिर आपको इंट्यूशन आ रहा हो पहले से कि बस आने वाली जीत मेरी ही है। या ये एनर्जी आपको 4-5 दिन के बाद भी मिल सकती है, या अगर मे बी आपको ना हो तो ये आपके लिए नहीं है। तो ये एनर्जी स्पेसिफिक है जो कि बहुत कॉन्फिडेंस में अभी इस टाइम चल रही है डीएफ उनके लिए है। कुछ डीएफ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन उनकी टेस्ट लेने वाले हैं। ये ज़्यादातर मुझे मैरिड डीएफ के साथ लग रहा है। इस टाइम जो भी मैरिड डीएफ है उनके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं या फिर लो हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्यों बार बार इतना इमोशनल हो रही हूँ। तो बेसिकली यही आपके लिए एनर्जी आ रही है कि गॉड आपके टेस्ट लेने वाले हैं और आपको आपके इमोशन से फाइट करना पड़ेगा। तो ये मैरिड डीएफ के लिए है। इसके बाद आता है कि कुछ डीएफ को 20 तारीख से पहले या 20 तारीख के बाद उनसे उनके डीएम से उनको तगड़ा ट्रिगर मिलने वाला है। तो ये ट्रिगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड होगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी मतलब कोई पर्सन, मुझे ड्रीम में बिल्कुल क्लियरली एक पर्सन दिख रहा था डीएम के साथ जो कि थर्ड पार्टी लग रही थी। तो इस टाइम थर्ड पार्टी मतलब वही वाली पर्सन वाली, ये कोई जॉब नहीं या फैमिली नहीं, कोई नहीं। तो ये थर्ड पार्टी के रिलेटेड होने वाला है ट्रिगर। यहाँ पर कुछ डीएम की शादी होने वाली है या उनके मैरिज फिक्स होने वाली है, या फिर कुछ भी एंगेजमेंट जैसी बातें हो चुकी है और आपको ये पता लगेगा एक बहुत बड़े ट्रिगर के साथ। कुछ डीएफ को ऐसा कुछ पता लगेगा कि आज तक उनके डीएम ने उनको बताया ही नहीं, ऐसा कुछ पता लगने वाला है। उनसे छुपा के रखा था जो हम आज डीएफ को पता चलेगा। ये एनर्जी मुझे बैलेंस डीएफ के लिए भी आ रही है। तो इसका असर जो बैलेंस डीएफ है वो उन पर बहुत नॉमिनल रहेगा। और जो आने वाली 20 तारीख से पहले या 20 तारीख के बाद ये हो सकता है, तो आप रेडी रहिएगा। तो उसके बाद कुछ डीएफ के लिए एक मैसेज ये है कि इस टाइम पे वो बहुत इमोशनल हो रही है, मतलब कि उनके मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो, आप चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की अपनी जर्नी के लिए हो या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, तो उनके साथ ये हो रहा है कि वो बार बार नम होते जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर आपके डीएम, अगर आपने बहुत काम किया है तो ये आपके डीएम की भी एनर्जी हो सकती है, पूरी तरह से नहीं, और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि इस टाइम हीलिंग बहुत पीक पर है और बहुत सारे डीएम डीएफ मिलने वाले हैं, यूनियन होने वाला है
और बहुत सारे डीएफ को गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं, उनका डायमेंशन रेज होने वाला है। तो उनको लग रहा है कि मैं बार बार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो कंफ्यूज हो रही है। ये वो डीएफ है जो वो साल से, या फिर मैं बोलूँ 1.5 साल से काम कर रही है। तो प्लीज़ फेथ रखिएगा अपने ऊपर, अपने एंजल पर, अपने डिवाइन पर, और अपने ऊपर अच्छे से इनवर्क करिएगा, क्योंकि आपके लिए आने वाला टाइम बहुत सारी हैप्पीनेस और डिवाइन लेकर आने वाले हैं। आपके साथ आपके लिए बैलेंस और हारमोनी का टाइम भी आने वाला है। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने डिवाइन को सरेंडर करके इनवर्क करिए। और उसके बाद मैं बोलूँ, कुछ डीएफ के साथ ऐसा भी होगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आपने अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अगर आपने किसी को कुछ दिया था तो वो भी आपको वापस मिलेगा, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। जहाँ आप अपने मन को मारते थे, अब आप नहीं सहोगे, आपको अपना मिलने वाला है जो आपका है, और आप लेकर ही रहेंगे। कुछ डीएफ का हाल ऐसा है कि वो बहुत सारे वेटिंग एनर्जी में है। अब ये मुझे न्यू अवेकनिंग की डीएफ भी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ इन्वेस्ट किया है और अब हमें वो पाने का हमारा टाइम आ गया है, और वो किस तरह के रिटर्न के लिए वेट कर रही है, या फिर वो अपने डीएम के लिए वेट कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने थोड़ा सा इनवर्क कर लिया और बस अब हमें उसका रिवॉर्ड चाहिए, या फिर यूनियन के लिए, या फिर डीएम के लिए, या फिर बातचीत करने के लिए, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो आपको इनवर्क बहुत बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2-3 महीने के बाद इनवर्क कर लूँ और उसके बाद मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है आपको उसका मिलेगा। अगर आपको मिल भी रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। जो आपको मिल रहा है आपके पास है, और जो आपका है वो तो आपको 101% डिवाइन दे ही देंगे। तो बिल्कुल भी वेटिंग में ना रहिए, और अपने एनर्जी को हमेशा अपने सेल्फ लव में इन्वेस्ट करिए, अपने इनर वर्क में इन्वेस्ट करिए, अपने डिवाइन के सोल पर्पस में इन्वेस्ट कीजिए। और बाकी सब तो डिवाइन आपके लिए कर ही रहे हैं। तो बिल्कुल पूरे सरेंडर के साथ, पूरे फेथ के साथ आप बस अपना काम करिए, और फल की चिंता ना करें। जो कुछ आपके लिए, आपके हायर गुड के लिए है, वो आपके लिए रखा हुआ है, बस उसका टाइम आने के बाद ही आपको मिलेगा। तो ये था आपके लिए, कुछ डीएफ के लिए मैसेजेस थे जो मुझे गाइड हुए हैं। वैसे भी इस टाइम बहुत एनर्जी अच्छी चल रही है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं एक स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बताऊंगी कि जो 2020 में अवेकन हुई थी, उनकी अवेकनिंग आई थिंक नवंबर या अक्टूबर में स्टार्ट हो गई थी। उनको अगस्त में शॉक लगा होगा और उसके बाद उन्होंने इनवर्क चालू किया होगा। तो उनकी एनर्जी बहुत 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 अच्छी है। फेमिनाइन, आपका टाइम आ चुका है। बहुत सारे डीएफ को अपने सोल पर्पस का इंट्यूशन आ रहा है, या आ चुका है, या आने वाला है, और आपको उस पर काम करना है। इस टाइम बहुत सी डीएफ है जो हाई वाइब्रेशन डीएफ की बात कर रही हूँ मैं, जो 2020 में अवेकन हुई है और उन्होंने अच्छा सा काम कर लिया है। उनको इस टाइम 369, 969 या 639 जो हाई वाइब के जो नंबर्स होते हैं, उनकी सिंक्रोनिसिटी हो रही है। तो इसका यही मतलब है कि आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने सोल पर्पस को आपके सामने है, बस आपको उसको चूज़ करना है, क्लेम करना है, उसको देखना है और समझना है कि डिवाइन आपको क्या दिखा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सी डीएफ को मिल रहा है सोल पर्पस, और उन्होंने ठान लिया है। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब में चल रही है, और उनके दिमाग में उनके डीएम का ज़रा ही ख्याल नहीं। डीएम तो हमेशा दिल में रहते, लेकिन अभी उनके दिमाग में नहीं है। जिस दिन डीएम आपके दिमाग से निकल गया, उस दिन आपका डायमेंशन रेज होने की जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डीएम को हमेशा दिल में रखे, ना कि दिमाग में रखे, और अपने इंट्यूशन को हमेशा सुने। डिवाइन आपको बहुत सारे गाइडेंस दे रहे हैं,
साइन दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, आपका रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। ये 2020 की डीएफ के लिए स्पेसिफिक एनर्जी है। उनको कुछ कुछ डीएफ ने तो अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो डीएफ कॉन्ग्रेचुलेशन, बस सेल्फ लव में मैं सभी डीएफ को बोलूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ लव है, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे जर्नी को पूरा करने में बहुत 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 हेल्प करता है। सेल्फ लव कीजिए, हाई वाइब में रहिए और खुद से बहुत प्यार कीजिए। आने वाले टाइम में सभी डीएफ को मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपना इनर वर्क अच्छे से करिए और सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, अपने अंदर की क्वालिटी कमियाँ सब कुछ, और अपने डीएम को भी, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए, खो जाइए अपने आप में। और डीएम तो आ ही जाएंगे, डीएम कहीं नहीं जाते और ना जा सकते और ना भाग सकते, वो कितना भी रन कर ले, आना तो उसको अपने डीएफ के पास ही है। तो प्लीज़ उसको, उनको भी छोड़ दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए।